हाथ जुड़वा लो, हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ मत करना यार, ठीक है। और भाई अगर आपको फ़ोन लॉन्ग टर्म चलाने का मन, अब सर्दियों की बात कर लेते हैं, मेन है, अगर वो चीज़ भूल गए तो भाई कैनेडा आने का मतलब नहीं बनता आपका। अगर वीज़ा वूज़ा आ गया तो ये वीडियो देख रहे हो तो पैकिंग भाई ये चीज़ें ज़रूर लेके आनी है। वीडियो एंड तक देखते रहो और बने रहो वीडियो के साथ। व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो भाई आज की वीडियो में हम बात सबसे पहले क्या करने चले हैं, ये पीछे आपको पता ही है, हम कनाडा पहुंच गए। मैंने इसी चीज़ का वेट करता था, मैंने कहा कनाडा जाके बताऊंगा वीडियो क्या क्या चीज़ें लेके आनी है इंडिया से, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कहीं मैं कुछ ना भूल जाऊं, और होपफुली भाई मैं कुछ ऐसा भूला नहीं हूँ। एक दो चीज़ें गुम जरूर हुई हैं, लेकिन आज की वीडियो भाई हम थोड़ी शॉर्ट ही रखेंगे। सीधा बात बताता हूँ आपको मैं सबसे पहले क्या क्या लेके आना है। आपने पैकिंग करनी शुरू कर दी है ना, अगर वीज़ा वूज़ा आ गया तो ये वीडियो देख रहे हो तो पैकिंग भाई ये चीज़ें जरूर लेके आनी है। वीडियो एंड तक देखते रहो और बने रहो वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, हम सबसे पहले तो भाई अपनी मेडिसिन्स लेके आओ, जो भी मेडिसिन्स आप खाते हो इंडिया में वो वाली, जैसे किसी को कोई चीज़ से अगर एलर्जी वगैरह है तो वो लेके आओ मेडिसिन। और अपना मैं मेन बताता हूँ आपको कि जैसे अपनी पेट दर्द की गोली ले आओ, जो मेन मेन होती है, जैसे फीवर वगैरह की ले आओ। यहाँ भाई मेडिकल सिस्टम बहुत ख़राब है, आपको पता ही है, सारी चीज़ें आपको पता ही है। अभी मैंने सुना है भाई कि यहाँ पर मेडिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है, वर्स्ट है, वर्स्ट कहते हैं। इंडिया में फिर भी बढ़िया, ठीक है। और शेड्स से ज़्यादा है भाई, शेड्स भी लेके आओ अपनी, ये वाली भी ले आओ, और जिनको भाई नंबर वाली लगी हैं वो तो भाई ज़रूर लेके आओ। और फ़ोन से ज़्यादा है, फ़ोन की सारी जो जो याद आती रहे सब कुछ बता रहा हूँ अभी। फ़ोन से मेरे को याद आया कि फ़ोन का भी वो ले आओ भाई, कवर वगैरह लेके आना, और फ़ोन के स्क्रीन गार्ड भी ले आना। और अगर फ़ोन नया खरीदना है कि नहीं खरीदना तो भाई इंडिया से फ़ोन मत खरीदो नया, और ना ही लैपटॉप खरीदो, पड़ा है तो ले आओ वो वाला। देखो मैं ऐसे लिख के तो याद करके नहीं आया, मतलब सबसे पहले मैं इधर कपड़ों की बात करूँगा, फिर ट्राउजर्स की बात करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जो जो याद आ रहा है, जैसे भी फ़ोन मेरे सामने पड़ा है ना, देखे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ गाड़ी पर रख के, तो मेरे को याद आया, मैंने कहा सबसे पहले फ़ोन का ही बात बता दूँ, तो रखते हैं इधर हम। और फ़ोन की बात बताता हूँ सबसे पहले भाई, फ़ोन नया मत लेगा, नया यहाँ के ही लेना है, ठीक है। और लैपटॉप भी नया यहाँ के लेना है, अगर लेना है, अगर वो वाला पड़ा है लैपटॉप के पास कोई पड़ा है तो भाई वही चला लो, काम सर जाएगा भाई। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कॉलेज में आपको एडिटिंग तो करनी नहीं, पीपीटी बनानी है, असाइनमेंट बनानी है, वो इजीली बन जाएंगी। और नया लेना तो भाई यहीं से लेना, एक तो आपको अडेप्टर वाला सीन लेगा, और अडेप्टर से याद रहा है भाई, जैसे ये वाला फ़ोन है मेरा, ये आईफोन मैंने इंडिया से खरीदा था, तो भाई मैं अडेप्टर लेके आया हूँ, यूनिवर्सल अडेप्टर, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा कैसा होता है कैसा नहीं, बाकी इजीली आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। मैं भी ऑफलाइन मार्केट से लेके आया था, मेरे हिसाब से 450 का आया था। और फ़ोन की बात चल रही है तो भाई स्क्रीन गार्ड लेके आना भाई, यहाँ पर स्क्रीन गार्ड मैंने सुना है $20 के। मैंने अभी तक कुछ नहीं खरीदा यहाँ, देखो मैं वीडियो बनाने से पहले ना 4-5 लोगों से पूछता हूँ, और बाकी देखता हूँ ऑनलाइन वगैरह देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और मेरे को अभी तक ये पता चला है कि भाई डॉलरामा से ना, डॉलरामा में आपको किचन का सामान सारा मिल जाएगा, मतलब लेके आना सिर्फ एक कुकर ले आना, मैं तो वो भी नहीं लेके आया भाई। मेरे को अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि लेके आना चाहिए, लेकिन मेरे पास जगह ही नहीं बची थी, और जगह की बात भी नहीं है भाई, अपना क्या है, इधर मेरी है ही है यार रिलेटिव्स, मेरी दीदी भी हैं, मेरी बहन भी हैं, सारे हैं यार, तो अपने पास कुकर पड़ा ही है, तो मैंने कौन सा बनाना है भाई। अगर जिन्होंने बनाना है भाई कुकर ना, देखो कोई सोच के आ रहा है कि मैं नहीं बनाऊंगा भाई, बनाना पड़ेगा इधर आके, ठीक है ना। अभी देखो मेरे को भी मैंने बनाना कुछ नहीं, अभी तक नहीं बनाया, मेरे को चाय नहीं बनानी आती, जब बनाना सीखेंगे आपके सामने आपको बताऊंगा कैसे बना रहा हूं। बाकी यूट्यूब अपना जिंदाबाद है, यूट्यूब से देख के बनाते रहेंगे, बाकी ये बातें बाद में करते हैं हम। तो आपको भाई क्या लेके आना है, आप कुकर ले आना अगर लेके आनी है, तो बाकी चीज़ें तो भाई आपको मिल जाएंगी इजिली यहाँ पर मिल जाएंगी। डॉलर में मैंने सुना कि स्पूस वगैरह प्लेट्स वगैरह $4 में मिल जाती है, पूरा कॉम्बो कुम्बो सेट शोर डाला हुआ इधर भी, चलो कॉम्बो कुम्बो मिल जाता सारा, तो वो ले आना, कुकर लेके आना बस, मेन कुकर है यहाँ पर, बाकी मिल तो यहाँ पर वो भी जाएगा लेकिन महंगा मिलेगा थोड़ा। और अब बात कर लेते हैं भाई, आपको जेल वगैरह ले आना, जेल वगैरह बाल मेरे देख लो कैसे हो गए हैं, जेल वगैरह लेके आना भाई। मेरी जेल तो चलो एयरपोर्ट पे निकाल ली, वो 23 kg वाले में लिखना सारा सामान, कैबिन में मत रख लेना भाई, कैबिन मतलब जो प्लेन में लेके जाते हैं, कैबिन ही कहते हैं उसको, क्या कहते हैं मेरे को अभी पता नहीं भाई, मैं फ्लो में बोल देता हूँ कई बार, तो मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ 23 kg वाले में रख लेना, बैग में मत रखना यार। बाकी मेडिसिन लेके आना, और अपने टी शर्ट्स वगैरह लेके आना, 5-6 टी शर्ट्स ले आना, ज़्यादा ले आना, अगर ज़्यादा लेके आनी ज़्यादा ले आना। और जीन का मैं बताऊँगा, मैं 4 जीन्स लेके आया था, ठीक है ना, 2 काली 2 नीली, ठीक है, एक जीन का मेरा हो गया पोक डल गया पूरा, ठीक है भाई, पता नहीं क्या हो गया यार, वॉशिंग मशीन में धोई थी, तीसरी बार मैंने डाली है, 2 बारी दुबई में डाली, तीसरी बार मैंने यहाँ डाली थी कनाडा में, और भाई बस टाइट होगी भाई वो, पता नहीं अब क्या सीन हो गया मेरे को। जैक एंड जोन्स की थी, बिल भी पड़ा है, बिल अगर मेरे को मिलेगा अंदर तो मैं यहाँ पर साइड में लगा दूंगा, ओरिजिनल थी भाई, खत्म होगी अब क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सुना है मैंने कि लोग बोलते हैं कपड़े वगैरह ज़्यादा खराब हो जाते हैं, इसलिए मैं तो भाई कम ही लेके आया था कपड़े। मेन मेन चीज़ें मैं यही बता रहा हूँ, बाकी मोटी मोटी चीज़ें सबको पता ही है कि कपड़े लेके आने हैं, पैंट लेके आनी है, ट्राउजर लेके आने हैं, जीन लेके आनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये वाली चीज़ें कि ये चीज़ें मत भूलना भाई, क्योंकि ये चीज़ भूल गए तो भाई महंगा पड़ेगा आपको कनाडा में, कनाडा आना महंगा पड़ जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पर महंगी मिलने वाली सारी चीज़ें, मिल सब कुछ आता है। और आपको बताता हूँ, अगर कोई यार कोलगेट का शौकीन है, जैसे मैं हूँ कोलगेट का शौकीन, तो यहाँ मिलती है नहीं मिलती मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मैं अभी नया नहीं हूँ, आपको पता ही है। तो आपने नहीं देखा मेरा इंडिया टू कनाडा वाला व्लॉग तो वो देख लेना, और डॉक्यूमेंट्स भाई सारे लेके आना, डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो भी मैं साइड पर लगा दूंगा, अभी सारी चीज़ों की बात इसी वीडियो में करूँगा,
तो वीडियो भाई बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए मैं सारी बातें नहीं कर सकता, जितना पॉसिबल है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी वो वाली वीडियो आप देख लेना, डॉक्यूमेंट्स वाली, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन से लेके आने हैं। अब बात थोड़ी घूम फिर के कर लेते, चल फिर के। बाकी ये अपनी गाड़ी थी पिक्के पे बनाया अपने थोड़ा बहुत ब्लॉग, अब चलते हैं भाई, थोड़ा चल के आते हैं और आपको जो जो ज़्यादा बताता हूँ मैं। और अपना यही सीन है भाई, लेके आना आप लोग डॉक्यूमेंट, सारे लेके आना। डॉक्यूमेंट कोई भी भूल गए तो मुश्किल हो जाएगी भाई, सारी चीज़ें लेके आना। तो ले आया था और ब्रश वगैरह भी ले आना, बाकी मेरे सब कुछ यहाँ पर जाएगा। फेस वॉश ले आना, बस 3-4 दिन के लिए ना, या ना या हफ्ते के लिए ले आना, महीने के लिए लेना। देखो आते ही भाई ग्रोसरी करने तो जाओगे नहीं, अगर आए हो सुबह उठ के नहाओगे ना, नहाओगे कि नहीं नहाओगे तो भाई सुबह आपको चीज़ें जरूरत पड़ेंगी तो क्या करोगे। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम था बताना। और अपना यही हो गया। बाकी यार ट्राउजर्स वगैरह ले आना, दो शूज़ ले आना, बहुत मेरे हिसाब से 3 ले आना, चलो और बताओ ठीक है। बाकी ट्रेडिशनल ले आना, ट्रेडिशनल भी ले आना, लड़कियों को शौक तो भाई सूट वगैरह ले आना वो भी ले आना, मैं मना तो कर नहीं सकता किसी को। बाकी देख लेना, जगह कम हो तो सूट वगैरह मत ले आना यार, क्योंकि यहाँ पर देखो घूमने का ओकेजन मेरे को लगता नहीं, कम ही आता है। देखो दिवाली होली वगैरह, होली में तो यहाँ स्नो पड़ जाएगी, दिवाली वगैरह पे सूट पहन सकते हैं पहनना तो लड़कियाँ ठीक है। बाकी आपने मैंने आप भी पहन लेना भाई, लड़की वगैरह बता रहा हूँ मैं तो ठीक है ना। बाकी मौसम बढ़िया हुआ पड़ा, आज भी सीन अपना चल रहा है, सही चल रहा है अभी तक। मेरे को जो जो याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, मोटी मोटी चीज़ें बता दी है मैंने। तवा भी ले आना यार, ये एक कुकर और तवा ले आना, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोलियाँ मिल जाएंगी। प्लास्टिक की प्लेट्स अगर लेकर नहीं लेके आ सकते हो, प्लास्टिक लेकर आना क्योंकि माइक्रो वगैरह में गर्म हो जाएंगी वो। और हाँ भाई, अगर मोबाइल की बात चल रही है तो मोबाइल से याद आता भाई, अपने ये भी लेके आना, यहाँ के अगर पैसे नहीं खर्चने एप्पल पे ऊपर ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि आते ही आप ले सकते हो भाई, कुछ भी ले सकते हो आप, क्योंकि GIC आने वाला 2000, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन भाई पैसे वाइजली खर्चा करना ठीक है। कनाडा चल रहा है, ये इंडिया नहीं है। तो मैं तो लेके आया था भाई, ये मेरे पता नहीं कौन से ब्रांड के आए, मेरे पॉपुलर ब्रांड नहीं कोई, पोटोनिक्स है ऐसे ही कुछ है। मेरे को 3-4 महीने हो गए खरीदे, बढ़िया चल रहे हैं, साल की गारंटी थी इसकी, लेकिन गारंटी मैटर नहीं करती क्योंकि अब मैंने कौन सा, अगर ख़राब हो गया इंडिया थोड़ा ना जाऊँगा चेंज करवाने। बाकी बढ़िया चल रहे हैं एकदम बढ़िया चल रहे हैं। तो ये लेके आ सकते हो आप, और कोई और भी लेके आ सकते हो, बढ़िया टाइप का आते हैं भाई, अपनी मर्जी से आप ले सकते हो अपने बजट के हिसाब से। बाकी और पावर बैंक भी ले आना, मेरे हिसाब से ले आना, क्योंकि यहाँ पर भाई जाओगे अगर काम वगैरह पे जाओगे, कॉलेज जाओगे, तो आपकी भाई बैटरी खत्म हो सकती है, उसमें आपको पावर बैंक हेल्प कर सकता है। तो MI का पावर बैंक ले आना, मेरे हिसाब से मैंने 10,000 mAh वाला लिया, आप 20,000 mAh वाला ले लेना चाहे, या 10 mAh वाला ले आना, मेरा ठीक है। अगर मैं एक बारी पावर बैंक को चार्ज कर लूँ ना, चार्ज होने में भाई काफ़ी टाइम लेता है वो, लेकिन एक बारी चार्ज हो जाए ना उसके बाद फोन मेरे हिसाब से 2 बारी 0 से 100 कर सकता है वो। बाकी यही सीन था अभी तक, बाकी आगे बताता हूँ आपको और क्या क्या चीज़ लेगा। नहीं मोबाइल वगैरह का तो हो गया ना, डन हो गया कि नहीं। तो भाई मैं वापस आ गया यार, चल चल के मेरे को धूप लगने पड़ी थी, मैं वापस आ गया, मैंने कहा खड़े होकर बात करते हैं आज। तो अपनी बात ये है, मेरी बात ये थी, हम कहाँ तक पहुँच गए भाई, गर्मियों का सामान हो गया था ना, बाकी गर्मियों का सामान तो हो ही गया, बाकी एनक वगैरह ले आना यार जो भी चीज़ें हैं। अब सर्दियों की बात कर लेते हैं, सर्दियों की भाई शॉपिंग मत करना, इंडिया से मत करना, हाथ जोड़वा लो, हाथ जोड़ रहा हूँ ठीक है, ये चीज़ मत करना यार ठीक है। तो हाथ मैंने जोड़ दिया, मैं आपको बता रहा हूँ सर्दियों के सामान मत ले आना, जो जो पड़ा है, जैसे हुड्डी वगैरह भाई है, कोई अगर स्वेटशर्ट वगैरह है, जैकेट वगैरह है वो ले आओ। जैसे अभी कल मेरे को इधर थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग पड़ी थी, तो मैं अपनी जैकेट पुरानी वाली निकाल के विंड शीटर मैं यहाँ पहन के घूमने लग पड़ा था। देखो यहाँ पर स्नो जैकेट आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी, स्नो शूज़ यहाँ पर लेने पड़ेंगे, इंडिया के हिसाब से नहीं लेके आ सकते भाई। ये क्या था, मैंने भी नहीं देखा ठीक है। अपना स्नो शूज़ यहाँ से लेना, इंडिया से मत लेके आओ, क्योंकि यहाँ का अलग सीन होता है, वहाँ का अलग सीन है, यहाँ -20-20 तक जाता है भाई, इंडिया में कहाँ लेके घूमोगे, इसलिए मत लेके आना, पैसे वेस्ट ही होने वाले हैं। बाकी अपने पास जैकेट है, 1-2-3-4 टेम्परेचर तक चल जाएंगी, दूसरी जब तगड़ी ठंड पड़ने वाली है वो तो भाई आपको चाहिए इधर वाली। बाकी कंबल लेके आना लेके आ सकते हो, बाकी किसी को कंबल लेके आना या किसी को रजाई लेके आनी है वो लेके आ सकते हैं, अपनी मर्जी है उसकी, ब्लैंकेट वगैरह जो भी लेके आना है। बाकी 2-3 बेडशीट्स ले आना, एक आधा पिल्लो ले आना। बाकी मेन चीज़ भाई अपना क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये चीज़ें भाई मिल जाएंगी लेकिन यहाँ पर थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेंगी। जो जो चीज़ें यहाँ पर नहीं मिल रही वो चीज़ें तो लेकर आओ, जैसे कुकर यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है भाई, और तवा भी बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने तो कुकर आज तक देखा ही नहीं यहाँ पर। मैं एक आधी बार गया हूँ डोलरमा वगैरह, वहाँ पर मैंने देखी थी $3-4 की भाई प्लेटें लगाई हुई थी उन्होंने, स्पून्स लगाए हुए थे, सब कुछ चॉपर वगैरह जिससे वो नहीं करते, क्या बोलते हैं उसको, PI करते हैं जो भी, तड़का तुड़का जो भी सीन है। मेरे को अभी आता ही नहीं बनाना कुछ, मैं सीखूंगा तो फिर देखते हैं जो भी सीन बनता है। बाकी यही चीज़ें थी मेन, अपना सर्दियों के सामान बहुत कम शॉपिंग करके आओ, बहुत कम ठीक, अवॉइड करो भाई सर्दियों की शॉपिंग उधर करना, विंटर्स की शॉपिंग यहीं पर करना कनाडा में करना ठीक है। अपना यही सीन था, बाकी जिगरा लेके आना भाई वहाँ से, दिल लेके आना एक ठीक है, कि यहाँ आकर सर्वाइव कर सको, वो चीज़ मेन है। अगर वो चीज़ भूल गए तो भाई कनाडा आने का मतलब नहीं बनता आपका, ये चीज़ जरूर करके आना और लेके जरूर आना, ये चीज़ हिम्मत होगी आपके सभी कनाडा में सर्वाइव कर सकते हो, नहीं तो भाई जाना पड़ेगा आपको वापस इंडिया वापस ठीक है। मैं पहले सोचता था भाई इंडिया चलूँगा, आऊँगा 6-7 महीने बाद, मेरा ना यार दिल लग गया यार, लोग मेरे तो कहते हैं कि भाई दिल लग गया, मैं तो कहता हूँ हाँ भाई कोई इस नहीं, मतलब मेरे को ऐसी उदासी वाली चीज़ लगी नहीं है,
बाकी वो चीज़ें बाद में करते हैं बात। बाकी सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी जल्दी, कोई बस कॉलेज खुलने वाले मेरे, फिर कॉलेज के ब्लॉग्स भी आएंगे और कोई स्टूडेंट हेल्प की जरूरत हुई तो वो लोग सारे आते रहेंगे। घूमने वाले ब्लॉग्स भी आएंगे, ट्रैवल भी आएंगे, हेल्पफुल ब्लॉग्स भी आएंगे, दोनों चीज़ें आएंगी ठीक है। क्योंकि मेरे को इंस्टा पर भाई इतने ज़्यादा DM आ रहे ना, कैनेडा आए कैनेडा आए कि ना आए ना आए। इससे अगली वीडियो में भी मैं उसके बारे में बता दूँ कैनेडा आना चाहिए कि नहीं। मेरे को कम से कम नहीं तो कल के दिन में ना 10 मैसेज आए हैं, भाई आप कैनेडा में हो? मैं कहा हाँ भाई कैनेडा में हो, भाई हमको आना चाहिए कि नहीं। मैं उनको सिंपल से जवाब देता हूँ, भाई यार आना है आ जाओ, सोशल मीडिया की नेगेटिविटी मत जाओ यार, सोशल मीडिया नेगेटिविटी से भरा हुआ है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोग नेगेटिव फैलाई जा रहे हैं। मेरे को ऐसा कुछ बुरा नहीं लग रहा कैनेडा में, वो चीज़ें बात हम बाद में करते हैं चलो। बाकी पैकिंग के लिए यही सब चीज़ें थी, पैकिंग यही चीज़ें कर लेना और क्या, बाकी कुछ याद आ रहा है तो मैं बताता हूँ आपको। और भाई अगर आपको फ़ोन लॉन्ग टर्म चलाने का मन है तो भाई उधर से लेके आना, 4-5 स्क्रीन गार्ड ले आना ठीक है, 4-5 स्क्रीन गार्ड ले आना वहाँ से। और अगर नहीं चलाने का मन तो भाई यहाँ पर ऑफर्स वगैरह लगी रहती हैं, वहाँ से नया मत खरीदो, यहाँ के खरीद लो। और बढ़िया सिम के साथ ऑफर बहुत चलती हैं, अगर आपको सिम वाली वीडियो नहीं देखी मेरी अभी तक तो वो भी आ चुकी चैनल पर, वो देख लेना। और लैपटॉप वगैरह भी मत खरीदो वहाँ से, यहाँ खरीद लेना, कई बार ऑफर चली होती हैं। जैसे अभी मेरा कोई रिलेटिव था, उसने भाई यहाँ पर आके फ़ोन लेना, जब तो फ़ोन के साथ ऑफर चल रही थी, आपको एयरपोर्ट लेने हैं फ्री में साथ में, फ़ोन उसने चलो एक आधा मॉडल जैसे अगर मान लो 13 चल रहा है तो उसने भाई 12 लिया था, तो उसको साथ में ऑफर दे रहे थे वो कि भाई आपको लैपटॉप दे देंगे फ्री में, तो उसने भाई लैपटॉप चूज़ किया, एयरपोर्ट नहीं चूज़ किया। आप होते तो क्या करते वो बताओ मेरे को। बाकी यही सीन चल रहा है अभी तक, तो भाई चिल लाइफ चल रही है अपनी, आप बताओ कैसे चल रहा है भाई। बढ़िया, पीछे माहौल कैसा लग रहा है? बढ़िया, वीडियो बढ़िया आ रही ना? बाकी ऐसा ही है भाई और क्या, सही चल रहा है अपना, तो आप बताओ कैसा चल। तो भाई अब अंडर गारमेंट्स की बात भी कर लेते हैं, बाल सारे ख़राब कर दिए मेरे बच्चों ने। चलो यार अंडर गारमेंट्स की बात कर लेते हैं हम, इनकी बॉल बुल को फंस गई थी वो, देखो मेरे को कहते निकाल दो, मैंने निकाल दिया। बाकी यार अंडर गारमेंट्स की हम बात कर लेते हैं, आप ले आओ मेरे हिसाब से 15-20 ले आओ ठीक है, 15-20 ले आओ। यहाँ पर लॉन्ड्री वगैरह क्या पता आपको कब करने को मिलेगी कब नहीं मिलेगी, तो 15-20 मेरे हिसाब से लेके आओ और आपके काम आएंगे भाई, मैं तो 15-20 लेके आया हूँ। बाकी ताकि रोज रोज धोने भी ना पड़े, लॉन्ड्री भी ना करनी पड़े रोज रोज, तो इसलिए। बाकी टी शर्ट्स मैं 7-8 लेके आया हूँ, मैंने जीन आपको बता दी मैं 4 लेके आया हूँ, निक्कर वगैरह 3-4 लेके आया हूँ। अभी निक्कर यहाँ पर ज़्यादा चलती है, निक्कर और ट्राउजर्स यहाँ पर ज़्यादा चलते हैं, तो भाई अपने हिसाब से देख लो, शॉर्ट्स ज़्यादा लेके आना, ट्राउजर्स ज़्यादा लेके आना, जीन्स चाहे कम ले आना। बाकी जो भी सीन है मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको मदद मिल जाएगी भाई। और तगड़ी तगड़ी वीडियोस आ चुकी हैं चैनल पे, तो ये वीडियो भाई सब्सक्राइब कर दो ये वाली भी। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी वो मेरे को बता देना। मेरे को इतना बताया कि मैंने ये वाली वीडियो ना मेरी बहुत बढ़िया तो नहीं बन पाई, क्योंकि मेरे को अभी भी फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ ना कुछ जरूर भूला हूँ आपको बताने वाला, मैं कुछ ना कुछ भाई जरूर बुलाऊंगा, पक्की बात है, पक्की बात है। अभी मैं एडिटिंग करूंगा ना मेरे को याद आएगा, फिर मैं साथ ही आ जाऊँगा। तो भाई अपना विंटर्स की बात चल रही है, तो विंटर्स का आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि भाई विंटर्स में आप लोग दी कैथलोन के इनर वगैरह लेके आ सकते हो, कोई भी भाई पब्लिसिटी नहीं है, मेरे को उनके बढ़िया लगते हैं, वो वार्म होते हैं ज़्यादातर, और मैं उनकी सॉक्स भी लेके आया हूँ। देखते हैं आप क्या कहते हैं, वो नहीं चलती -15 तक उन्होंने बोला था हमारा रिलायबिलिटी है। मैं उनका इनर वगैरह लेके आया हूँ और सॉक्स वगैरह लेके आया हूँ, वो भी सीन बनता थी। बाकी भाई मैं अपनी एक कार्गो पैंट भी लेके आया हूँ, डीकैथलॉन से लेके आया हूँ, उसमें भी अंदर मतलब वॉर्म वाली चीज़ें लगी होती हैं जो गर्माहट देती हैं। बाकी अपना यही सीन है, मैं जो जो लेके आया वो भी मैंने बता दिया, और जो जो मेरे को याद आ रहा था वो भी मैंने बता दिया। देखो मैं अंदर जाके देखता हूँ, एडिटिंग के वक्त मेरे को कुछ याद आता है तो मैं फिर बना दूंगा वीडियो, मतलब इसी वीडियो में बता दूंगा आपको। और अगर फिर भी मेरे से कुछ रहता है तो भाई माफ़ी चाहेंगे ठीक है ना, सारी चीज़ें तुम्हारे भाई को नहीं पती। अभी आया हूँ बस, जस्ट आया हूँ, फिर भी मेरे हिसाब से कुछ नहीं रहता वो, आप बस एक दिल में मेरे थॉट है कि कुछ ना कुछ जरूर मैं भूल गया हूँ, लेकिन मेरे को पता है मैं नहीं भूला। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, ये अपना ट्राईपॉड ये आपको दिखाया था ना दुबई में, सेम ही है। तो मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। और भाई लाइक कर देना यार प्लीज़ कर देना ठीक है, और सब्सक्राइब भी करके जाना और शेयर भी करके जाना, अपने दोस्त से सभी के साथ शेयर करो इस वीडियो को, और उसको बोलो भाई कि ये वीडियो आ चुकी है अंशुल भाई की। और मैं बताता हूँ कौन सी वीडियोस मेरे चैनल पे आ चुकी हैं, डॉक्यूमेंट वाली वीडियो आ चुकी है, फ्री पासपोर्ट स्टैंपिंग वाली वीडियो आ चुकी है, अपना जो जो हेल्प वाली है। बाकी वीडियो तो भाई अपने 250 आई हुई है। बाकी मैं आपको बताता हूँ जो जो हेल्प के लिए मैंने डाली हुई है, एक अपना उसका आ गया हुआ है, सिन का आ गया हुआ है, प्रेस्टो का आ गया हुआ है, बस कैसे चलानी है, चलानी नहीं भाई मतलब चढ़ के कैसे जानी है, हंसा मजाक है मेरे पता नहीं क्यों है, खून खून में भरा हुआ हंसा मजाक, तो मैं सीरियस नहीं हो पाता यार, मेरे को यही दिक्कत है, तभी मैं कनाडा के उदास नहीं हुआ, मैं हर चीज़ में हंसा ढूंढ लेता हूँ। मैंने यहाँ के भाई इतनी बेसिक की ना कनाडा की, लेकिन सच बता रहा हूँ कनाडा बढ़िया यार, आ जाओ हंसा मजाक अपनी जगह। लेकिन कुछ पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लगता है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स भाई बदनाम कर रहे हैं कनाडा को, रिसेशन है ये है वो है, वो बातें हम करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर दो, वो बातें जल्दी लेके आऊँगा मैं सामने और आपको सारी प्रूफ के साथ लाऊंगा क्या रिसेशन है भाई। हर दूसरे बंदा जॉब कर रहा है यहाँ पर, हर तीसरा बंदा जॉब कर रहा है, मैं ही वेला घूम रहा हूँ, अपने जॉब ढूंढी नहीं है, अभी ढूंढूंगा तो बताऊंगा, और क्यों नहीं ढूंढी वो अगले व्लॉग में बताता हूँ मैं, जब जॉब की बात करूंगा ना मैं तभी बता दूंगा कि मैंने जॉब क्यों ढूंढी, क्योंकि भाई बस बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी और बेल आइकन दबा देना, अगली वीडियो जब आएगी तो आपको पता लग जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी, बेल आइकन दबा के जाना, मेन बेल आइकन ही होता है,
तभी आपको पता लगेगा कौन सी वीडियो कब आने वाली है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड और सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। सब्सक्राइब अंचल विज व्लॉग्स, तो करके जाओ भाई सब्सक्राइब जल्दी जल्दी।